बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डिलीशियस बनाना, और आज हम बना रहे जा रहे हैं चुकंदर कीमा। चुकंदर गोश्त आपने खाया होगा, इसके लिए हमने लिया है कीमा तकरीबन 200 ग्राम, थोड़ा फैट वाला, और हल्की सी फैट है तकरीबन, इसमें 15% फैट ऐड करवाई है। एक चुकंदर जिसको हमने जुलियन कटिंग में कटिंग कर लिया, इसको हमने दो पानी धो के पानी में भिगो लिया ताकि इसका कलर जो इसने छोड़ना है वो छोड़ जाए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज, एक टमाटर जूलियन कटिंग में, थोड़ा सा अदरक 1 इंच, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च दड़ा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुछ धनिया ये भी पिसा हुआ, 1 पत्ता हमने लिए तेज़पत्ते का, 2 पिंच हमने लिए हैं साइमन स्टिक ये दालचीनी का पाउडर, 2 चुटकी हमने लिया है मोटी इलायची का पाउडर, और तीसरा ऐसा हमने लिया टीस्पून का नमक का, और 1/2 टीस्पून हल्दी, और आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च ज़्यादा भी खा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। तो आए बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं हम। जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, जल्दी से जल्दी होगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, 2 से 3 लोगों के लिए हम कीमा बना रहे हैं। सबसे पहले हम प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा सोते करेंगे, आप चाहे तो इसको लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगा थोड़ा सोते। ये तो हमारा प्याज थोड़ा सोते चुके, इसमें हम ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, तो तकरीबन 1 मिनट तक हम भून लेंगे, थोड़ा घटिया तो भून लें। मैंने इसको थोड़ी तेज़ आँच पर रखा हुआ, इससे मैं इसको तकरीबन 30 से 40 सेकेंड में भून लूँगा। जी फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो, अदरक जो हमने मीडियम कटिंग में ली हुई है वो, साथ में इसमें ऐड कर देंगे कीमा, कीमा में ऐड करेंगे हम अपने तमाम मसाले, थोड़ी देर तक हम इस पैसे इसमें भूनेंगे हल्का सा। जी इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया, बाद में हमें इसको भूनना है, इसलिए हम ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आप ऐड कर देंगे अपना चिकंदर जो आपने कटिंग करके रखा हो, इसको अब मैं 1/2 कप पानी इसमें ऐड करूँगा, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगा ताकि मेरे प्याज टमाटर गल जाएँ, और फिर मैं इसकी भुनाई करूँगा। चिकंदर अपना रंग छोड़ रहा है, देखें, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बॉईल भी करके यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको बॉईल नहीं किया ताकि एज इट इज़ का टेस्ट
इसका जूस जो है वो हमारे खाने में है। अगर आपको ज़्यादा रेड कलर पसंद नहीं है और तो फिर आप इसको हल्का सा बॉयल करके भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा। तो देखो पानी ड्राई हो चुका है, अब इसको हम यहाँ पर बनाई करेंगे और बनाई करने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम दही, और यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से भून लेंगे और यहाँ पे इसको भूनते हुए इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, धनिया। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और 1/4 स्पून खुश्क धनिया, कसूरी मेथी सॉरी, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम इसको दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए। किन्ना चाव इस रोड पर ना पसंद।